السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل 80 गुनाह का पहला रास्ता। मासी और गुनाह अक्सर और बेशतर इन ही चार रास्तों से आते हैं जो बयान किए गए हैं। कौन से? निगाह, ख्यालात, अल्फाज, अकदाम। हम इनमें से हर एक को एक जुदागाना फसल में पेश करते हैं। लहजात यानी निगाह तमाम बुराइयों का पेश खैमा है। निगाह की हिफाजत एन शर्मगाह की हिफाजत, यानी दोनों का डायरेक्ट लिंक है। जो आदमी निगाह को आजाद और बेलगाम कर देता है, कंट्रोल नहीं करता, निगाह उसे तबाही और हलाकत के गढ़े में ले जाकर डाल देती। चुनाचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या अली ला तत्बअ नजरता फइन्नमा लकल उला वलैसत लकल थानिया। मुस्नद अहमद बिन हंबल। ए अली, किसी पर यकायक नजर पड़ जाए तो फिर दोबारा निगाह ना डालो। पहली नजर तो तुम्हारे लिए माफ हो सकती है, लेकिन दूसरी निगाह माफ नहीं हो सकती। यानी जहां आपको महसूस हो जाए खलल खराबी, वहां दोबारा दरवाजा बंद कर दो। और मुस्नद अहमद में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अन्नज़रतु सहमुन मस्मूमुन मिन सिहाम इबलीस। निगाह इबलीस का जहर में बुझा हुआ तीर है। जो आदमी महज अल्लाह ताला की रजा की खातिर किसी औरत या मर्द के महासिन और खूबसूरती से आंखें फेर लेता है, यानी जहां अट्रैक्शन नजर आए वहां से मुंह मोड़ लेता है। और अब तो फितना तस्वीर है, कोई खुद ना भी सामने तो तस्वीरें सामने होती हैं, उन्हीं को पलट पलट के हराम तस्वीरों को लोग देखते रहते हैं और उनसे लज्जत हासिल करते रहते हैं। अल्लाह ताला उसके कल्ब को इबादत की हलावत और शीरीनी से भर देता है। हत्ता कि आप देखेंगे यहां तक लोगों की आदत है कि पसंदीदा जो जिन्नों के फैंस होते हैं या स्टार्स वगैरह, उनकी तस्वीरें लगा छोड़ते हैं अपने कमरों में, वॉलेट्स में, हर जगह, कि बस कुछ मिस ना हो। और न लेना न देना, पता नहीं कौन कहाँ रहने वाले, और बार बार उसको देख देख के अपना दिल बहलाते रहते हैं और हराम काम करते रहते हैं। जी हाँ, उसमें भी बहुत से ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी नहीं, क्या कमाया, न दीन न दुनिया, न आखिरत न दुनिया, दुनिया में भी कुछ नहीं मिला सिवाय शैतान को खुश करने के। एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, गुद्दू अबसारकुम वहफजू फुरूजकुम, अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुकात, रास्तों में बैठने से बचो, सीढ़ियों पर नहीं बैठना चाहिए। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मजलिसें हुआ करती हैं, यानी हमारे बैठने की यही जगह है सोशलाइज करने की, मजलिसें हुआ करती हैं, हम यही सोशलाइज करते हैं, रास्तों में बैठे बगैर चारा नहीं होता। इस पर आपने फरमाया, वह इनकुम तुम लाबुद फाइलीन आतु तरीका हक्कहु, होना चाहिए, अगर तुम्हें ऐसा करना जरूरी ही हो तो फिर रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, रास्ते के हुकूक क्या हैं? आपने फरमाया, गद्दुल बसर वकफुल अदा वरद्दुस सलाम, निगाह नीची रखना, ईज़ा रसानी से बचना और सलाम का जवाब देना। हवादिस और मसायब व आलाम जो उमूमन इंसान को पेश आते हैं, उनकी असल जड़ नजर और निगाह है। नजर और निगाह खतरात कल्ब का मूजिब होती है, यानी दिल में ख्यालात आते हैं, खतरात खतरे ना समझिएगा। तो इरादा वकूअ में आता है, दिल में ख्याल आया और दिल ने इरादा बनाया, फिर रफ्ता रफ्ता ने आहिस्ता आहिस्ता इरादे में पुख्तगी पैदा हो जाती, पक्का हो जाता है, और बिल आखिर इरादा अजीमत जाजमा बन जाता है, डिटर्मिंड हो जाता है इंसान, जाजम होता है पक्का, फेले नाकिस और फेले जाजम। इसके बाद फेल का अमली शक्ल में वकूअ पजीर होना लाबुदी हो जाता है, लाजिम हो जाता है। कोई चीज अगर माने नहीं है तो फेल अमली सूरत इख्तियार करके ही रहता है। और इसी बिना पर किसी साहिब बसीरत ने कहा है, अस्सब्र अला गद्दिल बसर अयसर मिन अलबसर अला अलम मिम्मा बादहु, आंखें बंद करने की तकलीफ पर सबर कर लेना
यानी उस वक्त बुरी चीज ना देखना दिल चाहने के बावजूद उस तकलीफ पर सब्र करने से बहुत आसान है जो करने के बाद होती। यानी इंसान अगर उसको देखता चला जाता है और उसके नताइज तक पहुंचता है तो जिन तकलीफों से वो दोचार होगा वो कहीं बहुत बड़ी है। और किसी शायर ने कहा, कुल्लुल हवादिसी मब्दउहा मिन नजर व मुअज़्ज़मुन नारी मिन मुस्तसग़िर शरर। तमाम हवादिस का मब्दा नजर है और बड़ी आग छोटी चिंगारी से ही लगती है, ततानी से। कम नजरतन बलगत फी कल्ब साहिबिहा का मबलग الهم بين القوس والوتر। कितनी निगाहें नजर करने वाले के कल्ब में इस तरह बैठ जाती हैं जिस तरह कमान और चिल्ले में तीर बैठ जाता है। यानी जो इंसान देखता है और उसकी निगाह किसी और की निगाह से मिलती है तो वो निगाह का तीर दरअसल इबलीस का तीर होता है जो इस शख्स की देखने वाले की निगाह के रास्ते दिल में जाकर बैठ जाता है। अब देखिए जितनी भी हराम मोहब्बतें यहीं से तो शुरू होती है। हराम चीज को देखा, उसकी अट्रैक्शन हुई, फिर वो नजर के रास्ते दिल में जा, दरवाजा खुला दिल का, क्योंकि आंख क्या है दिल का दरवाजा। जब आपने दरवाजा खोल दिया तो अंदर जाके शैतान वार कर गया, तीर अंदर जा लगा, वहां से मजीद खराबियां शुरू हो गई। जिस तरह कमान और चिल्ले में तीर बैठ जाता है। والبعد ما دام ذا طرف يقلبه في اعين الناس موقوف على الخطر। ये بالبعد نہیں ہے والعبد ہونا چاہیے। आदमी आंखें इधर उधर मारता रहता है। والعبد और बंदा, ما دام जब तक, ذا طرف निगाह, يقلبه उसको उलट पुलट करता है, इधर उधर फिराता है, في اعين الناس लोगों की निगाहों में, موقوف على الخطر खतरे के करीब होता है। मसलन अगर आप बाजार जा रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या रिक्शे में बैठे हुए हैं और आप बाहर देख रहे हैं, आमतौर पर कोई काम तो होता नहीं ना, हमें जिक्र करना याद रहता है ना, कोई पढ़ रहे होते हैं ना कुछ। हालांकि आप देखें जितनी तरक्की याफ्ता कौम है, जब वो सफर करते हैं तो सफर में बाकायदा उन्होंने सफर के लिए किताबें रखी हुई होती है और वो बैठते जाते हैं, बस हो, ट्रेन हो, जहाज हो, और सेटल होने के बाद फौरन किताब खोल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और निगाहें इधर उधर नहीं भटकती। बहुत सी खराबियों से इंसान बच जाता है। लेकिन उमूमन आप देखें कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नजरबाजी कहाँ होती है ट्रेवलिंग के दौरान। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं था, तो एक दिन जैसे मैं जा रही थी तो उस वक्त स्कूलों में छुट्टी हुई थी तो इशारों में गाड़ियां रुक रही थी, मेरी गाड़ी भी रुकी। अचानक जब मैंने निगाह दौड़ाई तो यंग बच्चियां गाड़ियों में बैठी हुई, गलों में दुपट्टे लिए हुए और आपस में हंस रही हैं, ठट्ठे मार रही हैं और हाथ पे हाथ मार रही हैं और बातें कर रही हैं, और आसपास टैक्सियां खड़ी हैं और ड्राइवर उनको देख रहे हैं, घूर रहे हैं और वो उधर देख रहे हैं। एक अजीब फितना था सिर्फ उस एक डेढ़ मिनट में। जितनी देर वो गाड़ी वहां देखी तो परेशान होकर मैं रह गई कि ये क्या हो रहा है। और अमूमन आपने देखा होगा कि जब गाड़ी के पास गाड़ी आके खड़ी होती है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आप अपने ध्यान पे नहीं और दाएं बाएं देखना शुरू कर दें तो लाजमन आपकी निगाह कहां जा टकराएगी, या किसी मर्द सवारी या औरत सवार है या ड्राइवर है या कोई भी, क्योंकि वहां किसी के पास करने का कोई काम नहीं। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट अपना एक तजुर्बा शेयर किया था कि उन्होंने एक किताब सिर्फ जो रास्ते में रेड लाइट्स आती थी उन पर खत्म की, कि उनको पता होता था कि ये रेड लाइट डेढ़ मिनट की या दो मिनट की, तो उन्होंने अपने डैशबोर्ड में किताब साथ गाड़ी में रखी होती थी और वो उसमें पढ़ना शुरू कर दे, तो उनको पता है यहाँ गाड़ी इतनी देर रुकेगी और उस टाइम पे फिर वो बंद कर देती, फिर पढ़ती, फिर करते करते वो कितना कुछ हो गया। तो अब आप देखिए कि वो एक डेढ़ दो मिनट, बाजू का तो दो दो दफा इशारा बंद हो जाता है जब बहुत रश होता है, बाजू का तो वैसे ट्रैफिक जाम हो जाती, तो उसमें अमूमन लोग क्या कर रहे होते हैं, वो बेसब्री भी होती है, बेचैनी भी होती है, तो उस बेचैनी को अमूमन लोग क्या करते, इधर उधर देख के, और फिर अगर कहीं देखा और कोई चीज दिल को लग गई तो फिर पलट पलट के देखा, फिर पलट पलट के देखा। हत्ता कि अब लोगों ने सिर्फ सुनी हुई बात है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि कुछ मुल्कों के अंदर जहां वैसे बजाहिर बड़े लोग पर्दे का एहतमाम भी करते हैं बाज़ात, ये कल्चरल उनके ऐसे लिबास होते हैं, तो बकायदा लोगों ने कार्ड बनाए हुए हैं और वो एक दूसरे की गाड़ियों में फेंक देते हैं बुराइयों के लिए, बुराइयों के इन्विटेशन देने के लिए, यानी अपना विजिटिंग कार्ड, खुलेआम बुराइयों की दावत दी जा रही होती है। और कुछ लोग बाजारों में बैठे रहते हैं क्या देखने के लिए, खाली फारिग क्या देखते हैं, हर आने जाने वाले क्या देखते हैं,
वो सब हलाल होता है उनके लिए? नहीं। तो ये सारी खराबियां बेकारी से आती हैं। ये सब बदमाशी किसका नतीजा है? एमलेस, पर्पजलेस लाइफ का, बेकार होने का। जब आपके पास काम ही कोई नहीं, तो फिर शैतान उस घर पे, उस दिल पे पूरा काबिज हो जाता है। कहते हैं ना, खाली घरों में चोर आते हैं ना, जब घर वाले घर पे नहीं होते। तो इसी तरह, यानी कि जिस शख्स के पास कोई काम नहीं होता, बेकार होता है, शैतान उस पर आके कब्जा जमा लेता है। जिसके पास कुछ करने के लिए होता है, उसके पास निगाह उठाने की फुर्सत नहीं देखे कि वो लोग और क्या कर रहे हैं, या वो अपने बारे में, अपनी जात के बारे में हिसाब किताब कर रहा होगा, एहतसाब कर रहा होगा कि मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, जिक्र कर रहा होगा, कोई आइंदा काम करने का कोई मंसूबा बना रहा होगा। तो उसके तो इंतजार के वक्त भी, और उसके तो है लोगों के बीच में जहां हर तरफ खराबियां, वहां भी उसके पास कुछ ना कुछ है अपने आप के लिए कि वो मशगूल करे और फिर इस सारे शर से और फसाद से बचे। फिर ये कहते हैं कि यसुर मुकलतहु मा दुर महजतहु ला मरहबन बिसुरूर आद बिद्दररी। आंखों को वो खुश करता है जिससे दिल को जरर पहुंचता है। इस मसरत को मरहबा नहीं कहा जा सकता जो जरर को लेके आए। यानी वो निगाहों की आवारगी जो बज़ाहिर वक्ती तौर पर लज्जत और खुशी का जरिया बनती है, वो लेके क्या आ रही होती है अपने साथ? बहुत बड़ा नुकसान। नजर और निगाह की आफतों और मुसीबतों में से ये कितनी बड़ी आफत और मुसीबत है कि इंसान हसरतों, आंसुओं और सोजे दुरू का शिकार बन जाए। ऐसे लोग फिर इश्को आशकी में बैठे रोते रहते हैं, तो दिल थामे रखते हैं, दिल पकड़े रखते हैं और दिल की चोट के गुनगाते रहते हैं, जिससे उसके सामने ऐसी ऐसी मुसीबतें आ खड़ी होती हैं कि उसकी कुदरत और इस्तेताअत से बाहर होती हैं। फिर ना पढ़ने में दिल लगता है, ना नमाज में दिल लगता है, ना किसी की खिदमत में, ना किसी काम में, क्योंकि दिल में तो चोर बैठा हुआ है फिर, और बेकरारी है और इस्तरार है। ना वो सो सकता है इंसान, ना वो खा सकता है, ना वो कुछ और काम कर सकता है। इन पर उसे सब्र करना भी दुश्वार हो जाता है। यानी इंसान ऐसी मुसीबत में पड़ता है कि फिर सब्र भी नहीं होता। गौर कीजिए कितना बड़ा अजाब है। ये अजाब की किस्म बता रहे कि किसी का दिल किसी ऐसी आफत का शिकार हो जाए। अमन आरदान जिक्री फिन लहू मई शतम दम का, फिर उसकी जिंदगी तंग हो जाती। ऐसी मुसीबत सामने आ खड़ी होती है जिस पर न सिर्फ सब्र करना दुश्वार होता है, बल्कि बसा औकात ये मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि इससे कम दर्जे की मुसीबत भी काबिले बर्दाश्त नहीं होती, इंसानी ताकत से बाहर होती है। चुनाचे किसी शायर ने कहा है, वकुंत मता अरसलत तरफक राइदा लकल्बुक यौमन अतअबतकल मनाज़िरु। जब तुमने अपने कल्ब के कासिद को आजाद छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया, तो एक दिन उसके मनाजिर तुम्हें थका देंगे। रईत अल्लज़ी ला कुल्लहु अंत क़ादिरुन अलैही वला अन बादिही अंत साबिरु। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हारी कुदरत से बाहर होंगी, बल्कि तुम्हें इससे कम पर भी सब्र मुश्किल हो जाएगा। शायर का कौल है, ला कुल्लहु अंत क़ादिरुन अलैही, तो कुल पर कादिर नहीं होगा। यानी इंसान जिस चीज की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है उसको हासिल तो नहीं कर सकता। अब कोई राह जाते किसी ऐसी चीज को देख रहा है और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो जाने वाला तो चला गया, और ये जिस दर्द को लेके आया वापस, तो गुल क्या, बाज भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ये कौल कुल पर कुदरत की नफी करता है। कुल की नफी उसी वक्त मुमकिन है कि कुल के हर हर फर्ज से कुदरत की नफी हो। आह, कितने ही आजाद निगाह इंसान अपनी निगाह बाजियों से हलाक होकर रह गए। निगाह बाजियों की जंजीरों में ऐसे कस दिए गए कि इन्हीं जंजीरों में तड़प तड़प कर वो मर गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, या नाज़िरन मा अक़लअत लहज़ातुहु मा अक़लअत लहज़ातुहु हत्ता तशहत बैनहुन क़तीला। ऐ नजरबाज, तेरी नजरबाजी उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक तू अपनी नजरबाजियों में तड़प तड़प कर मर नहीं जाएगा। यानी तेरा अंजाम यही है कि तू इसी बीमारी में मरे। इस बारे में मेरे भी कुछ अशआर हैं इब्न अल क़य्यिम अल जौज़िया के, मल सलामतु फ़क़्तदत लहज़ातु वक़्फ़न अला तललिन यज़ुन्नु जमीला। सलामती खतरे में पड़ जाती है जब उसकी नजरें ऐसे टीले पर होती हैं जिसे वो हसीन समझता है। मा ज़ाला यतबउ इथरहु लहज़ातु हत्ता तशहत बैनहुन क़तीला। वो अपनी निगाह की इत्तिबा करता रहता है यहां तक के मक़तूल होकर गिर पड़ता है। ये कैसी अजीब बात है कि निगाह का तीर मंजूर तक, यानी मंजूर जिसको देखता है मफूल के वजन पर, नहीं पहुंचता, बल्कि खुद नजर करने वाले के कल्ब को निशाना बनाता है। यानी कितनी जबरदस्त बात इन्होंने की है
کہ دیکھتا انسان غلط چیز ہے، تیر اس کی نگاہ سے جا رہا ہے لیکن پلٹ کے وہ اسی کو آ کے ہلاک کر رہا ہے، مصیبت وہ خود ہی پڑ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے. میرے قصیدے کے دو اشعار ملاحظہ ہوں. یا رامین بسحام اللحظ مجتہدہ انت القتیل بما ترمی فلا تصبو. اے قوت سے نظر کے تیر چرانے والے، تو خود اپنے تیر سے مارا جائے گا، تو صحیح عمل نہیں کر رہا، فلا تصبو. ثواب رائے ہوتا نا، اسی سے ہے. وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا ياتيك بالعتب. اور اے نظر کو شفا کے لیے بھیجنے والے، اپنے قاصد کو روک تاکہ تیرے لیے مصیبت نہ آئے. کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز اس کی نگاہوں میں اٹک جاتی، پھر کیا چاہتا، اسی کو دیکھے. پھر انسان کو چین آتا جب اس کو دیکھتا، لیکن اس کا چین نہیں ہے تو اس کی مصیبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. کہتے قاصد کو روک، یعنی نگاہ کو روک، کیونکہ یہ مت سمجھو کہ تم اس چیز کو پھر دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا. تم پھر دوبارہ دیکھو گے تو مصیبت اور بڑھے گی، پھر دیکھو گے تو اور پڑے گی، حتیٰ کہ وہ مصیبت ہر دفعہ بڑھتی چلی جائے گی، تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی. اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی ہے کہ زخم پر زخم اور چرکوں پہ چرکے لگتے چلے آتے ہیں. لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ انہیں دور کرنے کی خواہش تک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. اس بارے میں میرے کچھ شعر ہیں. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في اثر كل ملیحة وملیح. تو ہر ساملی عورت اور ہر ساملے مرد پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے، یعنی کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، جو نظر آتی ہے بس دیکھتا جاتا ہے. وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح لا تجريح. اور تو اسے اپنے زخم کی دوا سمجھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زخم پہ زخم لگ رہا ہے. فذبحت طرفك باللحاظ والبكاء فانقلب منك ذبيح اي ذبيح. خود تو نے ہی نگاہوں اور رونے سے اپنے آپ کو ذبح کیا ہے، اپنے قلب کو خود تو نے ہی ذبح کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے. یہ آخری جملے کو انڈر لائن کر لیں، نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی یعنی ہمیشہ کی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ فرما سکتے ہیں. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، تو جو شعر و شاعری ہوتی ہے تو ساری بھری ہوئی اس سے ہے. جی، اور اس سے انسان کو اور زیادہ یہ سارے عمل خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں. جی، آپ اپنے مقصد پہ رکھیں. دنیا میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے، صرف مرد کے لیے عورت ہی دیکھنے والی چیز نہیں، ٹھیک ہے، یا عورت کے لیے صرف مرد ہی دیکھنے کی چیز نہیں، بہت کچھ ہے اس کے علاوہ دیکھنے کو. جی جی، وہ کہتے ہیں ہماری نگاہ بری نہیں ہے اس لیے بار بار دیکھتے ہیں. جی وہ جائز ہے. جی جی ہاں، سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان مفید کاموں میں خود کو مصروف رکھے، لوگوں کی خدمت میں مصروف رکھے خود کو، اپنے پڑھنے پڑھانے میں. اور بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں دنیا میں اگر آپ کرنا چاہیں. بہت لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں. کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں مریضوں کا حال پوچھنے کے لیے، فرصت ملے گی نہیں آپ کو. جی، یہ جو کہا جاتا محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث میں آیا؟ جی ہاں، اللہ کا خوف ہے تو ہر چیز کو پیچھے کرے گا. دیکھیے، ایک چیز جو پھر کہوں گی وہ یہی ہے کہ انسان کمزور ہے. انسان کب اس کو طاقت آتی ہے برائیوں کا مقابلہ کرنے کی؟ جب وہ اللہ کو تھامتا ہے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرتا ہے، ہر خوشی اور غم میں اپنے رب کا سہارا ڈھونڈتا ہے، تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جی یعنی ایک مرد جب ایک عورت کو دیکھتا ہے اور وہ اس کا خیال اس کے دل میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے. اب حاصل کرنا کیا ہے؟ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے اس کے باپ کے پاس، وہ نہ کر دیتا ہے،
हो सकता है वो औरत शादी शुदा हो, फिर उसका घर तोड़वाता है, फिर लोगों की निगाहों में बुरा बनता है, एक लामतना ही सिलसिला है। तो बेहतर नहीं कि इंसान पहले निगाह ही कंट्रोल कर ले, और अगर एक दफा देख के कहीं ख्याल आने लगा है तो उसको झटके अल्लाह से मदद मांगे, रो रो के अपने लिए दुआएं करे और इस मुसीबत से बाहर निकले। कितने ही लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को छुटला देते हैं, छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसी जगह दिल लटका हुआ है, किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। जी अब यदि वक्त के साथ बढ़ रहा है, और वो है जबान का और इसका फतना भी है, क्योंकि ये भी लोग, क्योंकि जब पहले तो क्या था, मोबाइल नहीं होते थे, अब क्या है, अब ना बात करना मुश्किल है। पहले तो था ना घर का टेलीफोन होता था, अगर बेटी जरा सी भी देर टेलीफोन पे खड़ी हुई तो माँ खड़ी हो जाती थी, किससे बातें कर रही हो, उधर से भाई आ रहा है, उधर से बाप आ रहा है, तो डरती थी, उसकी दूसरी लाइन भी वो उठा लेते थे, अच्छा कहाँ बात हो रही है, तो लीकेज का खतरा होता था। अब क्या है, छोटा सा मोबाइल, उसे लेके घुस जाओ बेड में, किसी को क्या पता क्या हो रहा है, और अगर बात नहीं कर सकते तो टेक्सटिंग, और फिर उसके ऐसे ऐसे पैकेज कि बस ये प्रेस करो और इस पूरे महीने के लिए फ्री सर्विस है आपकी। और अब तो अफसोस के राह में अनगिनत इश्तेहार लगे हुए कि बार बार वो देखो 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 देखो, हत्ता कि इंसान फिर किसी ऐसी मुसीबत में मुबतला हो ही जाए। ये सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि इसका नतीजा क्या है, व्हाट्स द रिजल्ट, उसके बाद क्या है, हासिल क्या है। एक मर्द है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, घर है हंसता बसता, वो ऐसी किसी मुसीबत में फंस गया है, सिर्फ वो नहीं फंसा, सारा घर फंस गया है। यानी बुराई को इतना सस्ता और आसान कर दिया गया, और आप देखें कि हमारा जो इस वक्त मोस्ट इंटेलिजेंट यूथ है वो सारे ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करने में मदद दे रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हालांकि सब हराम के रास्तों पर अपनी एनर्जीज लगाई जा रही है, और हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। मतलब ये बुराई जो हकीकत में बहुत बड़ी बुराई, इतना इसको खूबसूरत बना दिया, इतना आम कर दिया गया कि अगर कोई इसके खिलाफ बात करे, कोई निगाह झुकाए तो उसको उल्टा जलील करते हैं। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।